अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो यहाँ पे आज हम बनाएंगे टोटा चावल, जिसे अदवाड़ भी कहते हैं। तो ये ना बहुत ही मज़े के बनते हैं और घर में ही खाने थे सबने, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये ट्राई करते हैं आज। और मैं आपको जो तरीका बताऊंगी, इस तरीके से बिल्कुल भी आपके जो चावल हैं ना वो टूटेंगे नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने जो है वो 1.5 कप ऑयल लिया था, और साथ में इसमें 3 अदद जो है ना वो मैंने प्याज नॉर्मल साइज़ के जो है वो बारीक कट करके डाल दिए हैं। अब इसको जो है मैं इसको ब्राउन करूँगी, ब्राउन करके जो है वो इसमें जो है वो इसका कलर निकालेंगे। जब प्याज जो है वो ब्राउन हो जाता है ना, तो उसे कलर जो है ना वो चावलों का बड़ा अच्छा सा आ जाता है। लेकिन हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना, अगर आप बहुत ज़्यादा ब्राउन करेंगे ना तो चावल जो है वो रेड रेड हो जाएंगे आपके। तो हमने जो है ना इसको वाइट जो है वो इसका कलर रखेंगे, बहुत ज़्यादा इसको रेडिश नहीं करना हमने। तो यहाँ पे अब थोड़ा सा इसका जो कलर है वो निकल गया है चावलों का। तो यहाँ पे अब मैं इसमें जो है वो 2 अदद मैंने इसमें टमाटर डाले हैं, इसको मैंने पील ऑफ कर लिया था, छिलके रिमूव कर दिए थे इसके। तो 4 से 5 इसमें सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो डाली हैं इसमें मैंने बारीक कट के। जायका इसका बहुत ही अच्छा आएगा, क्योंकि जो सब्ज़ मिर्चें हैं ना उसका जो टेस्ट है वो बड़ा अच्छा आता है। तो यहाँ पे मैंने जो है वो तकरीबन 15 से 16 जो घुटलियाँ हैं ना वो डाली हैं, इमली की पल्प जो होता है वो डाला है, लेकिन घुटलियाँ भी साथ ही हैं। तो यहाँ पे अब डालेंगे इसमें धड़ा मिर्च जाएगी, इसमें 1 चम्मच ज़ीरा जाएगा, इसमें 1 चम्मच और जाएगा इसमें बिरयानी मसाला 2 चम्मच, और साथ में रेड मिर्च जाएगी इसमें 1 चम्मच, और नमक जाएगा इसमें 1.5 चम्मच। तो बहुत सादा से जो है ना वो इसमें मैंने मसाला जार डाले हैं, ये सारे हमारे जो हैं वो किचन में मौजूद होते हैं। इसमें मैंने अब दालचीनी का टुकड़ा डाला है, तो बहुत ज़्यादा इसमें मैं जो है वो इंग्रेडिएंट नहीं डालूंगी, क्योंकि ये मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ, बच्चे जो है ना वो बहुत शौक से खाते हैं। वैसे भी जब मैं उसमें साबुत जो है खड़े मसाले डालती हूँ ना, तो बच्चे जो हैं वो साइड पे कर देते हैं। तो इसलिए मैंने जो है ना इसमें गर्म मसाला जो है वो डाल दिया पिसा हुआ, तो दूसरा मैंने जो मसाला है ना वो नहीं डाला इसमें, साबुत मसाला मैंने इसमें ऐड नहीं किया। तो 1 पाव चने थे मेरे पास, वो मैंने इसमें डाल दिए। तो चावलों को जो है ना वो मैंने इधर भिगो के रख दिया दूसरी साइड पे अच्छे तरीके से साफ़ करके। तो यहाँ पे चनों को हम अच्छे तरीके से जो है ना वो भून लेंगे, क्योंकि जब चनों को हम भूनते नहीं हैं तो वो उसका कच्चा पंसा रह जाता है। वैसे तो मैंने इसको कुकर में जो है वो 30 मिनट के लिए प्रेशर दिया था, पहले आपने इसको जो है वो भिगो लेना 2 से 3 घंटे के लिए। तो फिर आपने इसको जो है ना वो प्रेशर कुकर देना है, आपने कम से कम इसको जो है ना वो 30 मिनट के लिए देना है अपने प्रेशर कुकर चनों को, ठीक है। तो आपके जो चने हैं ना वो इतने ज़्यादा गल जाएंगे कि बच्चे जो है ना उनके पेट में दर्द भी नहीं होगी, और वो बहुत ही अच्छे से जो है वो इसको हज़म कर लेंगे। तो यहाँ पे जो है वो मेरे पास जो चावल है ना वो है 2 ग्लास, तो इसमें मैं 3.5 ग्लास जो है ना वो पानी ऐड करूँगी। पानी 1/2 ग्लास जो है ना वो मैंने हमेशा कम रखना है। अगर आप लोग भी बनाएं ना, तो चावल बेशक जितने मर्ज़ी भी टूटे हुए हों, अगर आप पानी उसमें ज़्यादा ऐड करोगे ना तो बिल्कुल वो मिक्स हो जाएंगे, तो वो मज़ा भी नहीं आएगा और लुक वाइज़ भी आपको अच्छे नहीं लगेंगे। तो यहाँ पे आप इसका जो है ना वो नमक भी चेक कर सकते हैं कि नमक इसमें जो है वो कम तो नहीं है, क्योंकि अभी जो है वो हमारे चावल हमने डालने हैं, पकना है, तो चावलों का जो सही टेस्ट है ना तो वो आपको पता चल जाएगा कि नमक जो है वो कम है या इसमें ज़्यादा है। तो जैसे ही हमारा पानी पकना शुरू हो जाएगा इसमें हम चावल डाल देंगे। चावलों को मैंने तकरीबन 7 से 8 दफ़ा इसको धोया था, ताकि जो इसकी होता है पानी वाइट सा सफ़ेद कलर का जो पानी होता है ना, जब वो पानी निकलना बंद हो जाए तो फिर आपने इसको धोना छोड़ना है। तो अगर वो पानी इसमें रह जाए ना तो वो कच्चा पनसा रह जाता है चावलों में। तो चावलों को आपने अच्छे तरीके से धोना है तकरीबन 7 से 8 दफ़ा ना, और इसको अच्छे तरीके से चुन लेना है, ताकि इसमें जो है वो पत्थर चत्तर कुछ भी ना हो, इस तरह की कोई चीज़ भी ना हो। तो यहाँ पे अब आपने इसको जो है वो लगा देना है 10 मिनट के लिए तकरीबन। तो ये हमारे चावलों की कंडीशन है, देखें जी हमारे 10 मिनट के बाद जो है ना वो चावल के अंदर जो है ना वो पानी बिल्कुल जो है वो ख़त्म हो गया। तो अब हम इसको जो है वो दम पे देंगे। और सबसे बड़ी बात कि आपने इसमें चावलों को है ना बहुत ज़्यादा अपने चम्मच नहीं चलाना है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा चम्मच आप चलाएंगे ना तो ये जो है ना वो टूट जाएंगे चावल, ठीक है। मैंने पहले भी सिर्फ जब चावल डाले थे ना तो सिर्फ 1 से 2 दफ़ा चम्मच चलाया था, उसके बाद मैंने ढक्कन दे दिया था। तो अब जो है ना वो जब हो गए हैं चावल, तो इसको जो है वो फिर आपने सिर्फ 1 से 2 दफ़ा हिलाना है बस। तो अब हमने दम दे दिया इसको 10 मिनट के लिए। तो 10 मिनट में हमारे जो चावल हैं, देखें ये अदवाड़ चावल हैं, लेकिन ऐसे लग रहे हैं जैसे साबुत चावल मैंने पकाए होते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो चावल हैं बहुत ज़बरदस्त बन गए हैं, खिले खिले बने हैं हमारे चावल, एक एक दाना जो है ना वो अलग बना है। और साथ में इसमें जो है वो सब्ज़ धनिया मैं डाल दूँगी, बहुत ही अच्छा लगता है ये चावलों में। आपको आज की मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है फीडबैक क्लास में दीजिएगा, और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।
और साथ में बेल आइकन का जो बटन है उसको लाजमी प्रेस कर दिया करें ताकि इसी तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ जो हैं और बहुत ही आसान रेसिपीज़ जो हैं वो आप तक पहुँच सकें। शेयर कर दें चैनल को और साथ में सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक कर दें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।